नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात करने वाले हैं और वो है पॉक्सो एक्ट 2012, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। और ये वीडियो स्पेशली हम क्रिएट कर रहे हैं सहकर्मियों के लिए। शिक्षकगण भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट सहकर्मियों के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं और उन्हें किस तरह से सतर्क रहना है, आइए देखें इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमारे स्कूल परिसरों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं हमारे सहकर्मी और उनका इतना समर्थन रहता है तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। चाहे आप सफाई कर्मी हैं या तकनीकी अटेंडेंट हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, बस चालक हैं, बिजली मिस्त्री हैं, आपका काम महत्वपूर्ण है। यदि आप देखते हैं कि स्कूल में किसी नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो छात्रों के प्रति आपको चौकस रहना है और यह बात आपको रिपोर्ट करनी है। बच्चों की शारीरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोई बच्चा दूसरे बच्चे को ना हाथ लगाए, ना मारे, चाहे वो शिक्षक हो या बच्चे हो या आपके अपने कोलीग्स हो, आपके अपने सहकर्मी हो जो किसी बच्चे को किसी भी तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं, यह स्कूलों में अलाउड नहीं है। सभी अभिभावकों से सह आपके जो जितने भी कर्मचारी हैं स्कूल में काम करने वाले या वो शिक्षक हैं, उन्हें भी गुड टच और बैड टच के बारे में समझना ज़रूरी है। कौन से शारीरिक अंग हैं जिन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, जैसे होंठ, गर्दन, छाती, प्राइवेट पार्ट्स, हिप्स, किस तरह से हमने गुड टच और बैड टच को डिफाइन किया है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों की स्पेस को, बच्चों की उस स्पेस को रिस्पेक्ट करना और उसमें जिसे कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा करीब से खड़े हैं, बहुत ज़्यादा पास खड़े हैं, तो भी आप उस बच्चे की स्पेस इंट्रूड कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। किसी भी तरह की गंदी तस्वीरें बच्चों को दिखाना, उनकी इमोशंस के साथ प्ले कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और ये भी एक कानूनी अपराध है। दुराचारी कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, जैसा मैंने कहा कोई कर्मचारी हो सकता है, सफाई कर्मचारी हो सकता है, कोई दूसरा बच्चा हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसके संकेत यह है कि यदि बच्चे के साथ कोई अपराध हो रहा है तो वह ज़रूर दूसरे बच्चों के साथ भी अनुचित व्यवहार करेगा, लगातार रोएगा, कभी कभी कोई मित्र नहीं बनाएगा या किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करेगा। इसमें आपको क्या करना है, बच्चे को दिलासा देना है लेकिन शिक्षक को सूचित करना बहुत ज़रूरी है, स्कूल काउंसलर को सूचित करना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसी बात मालूम है और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे तो भी वह दंड के तब भी आप दंड के पात्र हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा पाने का अधिकार है बच्चों को। आप याद रखें कि बच्चों को घूरना आपत्तिजनक है, बच्चों को उनकी अनुमति के बिना छूना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे वे असहज महसूस करें और कुछ भी ऐसा जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर दे, असहज कर दे, सही नहीं है। बच्चों को अगर सताया जाए या किसी भी तरह का कोई अपराध किया जाए तो उसके लिए बड़ा जुर्माना और कड़ा कारावास मिल सकता है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबका कार्य है, चाहे वो हम शिक्षक हों या कर्मचारी या स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल की प्रधानाचार्य, हम सब इकट्ठा होकर यह प्रण लें कि बच्चों की सुरक्षा हम सब साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे। आप जानते हैं कि आजकल सब स्कूलों में, सब कक्षाओं में, लैब में सीसीटीवी कैमरास हैं, हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए जानकारी से भरपूर रहा होगा। नमस्कार।